नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक कैसे बढ़िया क्वालिटी का शेड आप कम पूंजी में लगा के कैसे बना सकते हैं। जो एक आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे किसान भाई का एक छोटा सा पिगरी फॉर्म है, जिस पे उस पर सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए लगा के बढ़िया क्वालिटी का एक अपने सूर पालन के फॉर्म का चालू किया है। जो इसके पास नस्ल है, ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। इसकी क्या खासियत है कि सबसे पहले कि इसका जो रंग होता है वो वाइट होता है, गुलाबी भी हो सकता है। इसके अलावा इसके कान देखो सीधे होते हैं, जो नाक होता है वो डिश की तरह होता है। दूसरा क्या होता है कि इनका जो बच्चे देने की क्षमता होती है वो 10 से 12 आराम से दे देती है। मैक्सिमम इनके जितने दूध देने वाले डिंक्स होते हैं उतने भी दे सकते हैं। दूसरा कि इनका जो ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है, 6 महीने के उपरांत ये इसको आप मेटिंग करवा के प्रेगनेंट करवा सकते हैं। दूसरा कि शेड बनाते समय ये ध्यान रखिए कि अपना शेड हवादार हो, जहाँ पे धूप का अच्छा निकास हो, ताकि आपका साफ सफाई में कोई दिक्कत ना हो। उसकी स्लोप रख दिया करो, जैसे किसान भाई ने क्या किया, हमारा सर्दी का मौसम है तो यह तरपाल लगा दिए हैं, जिसकी क्या होता है कि ठंड से इनको बचाया जा सकते हैं। जो एक फॉर्म देख रहे हैं, जो खुदली है इसकी किसान भाई का अच्छी इंप्रूवमेंट कर सकता था। आधा फुट जमीन से ऊंचे रख के 1 फीट की चौड़ाई रख दिया करो। दीवारों पे थोड़ी गंदगी है, इसको अगर सफेदी किया जाए तो बढ़िया है, लाइट्स प्लस्तर जाते हैं। दूसरा ये है कि जो इनके फीमेल होती है, इसकी बहुत अच्छी का इस नस्ल की एक खासियत है कि अपने बच्चों के प्रति इनको काफ़ी लगाव होता है, इसलिए आप हमारे अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखते हैं। और दूसरी ये बात कि जो इसकी स्लोप होती है, आप इस 2 इंची की स्लोप रख दिया करो, जिससे सब मलमूत्र एक ही जगह इकट्ठा हो सके। इसके अलावा क्या होता है कि जो फीमेल होती है वह उसके बच्चों के साथ व्यान के बाद, जब बच्चे सोने के बाद, जब बच्चे देने के बाद, इसको आप अपनी माँ के साथ 1 से 1.5 महीने तक इनको रख सकते हैं। जन्म उपरांत क्या होता है कि जो एक फीमेल होती है, इनके जो बच्चे देगी 1 से 1.5 केजी तक हो सकती है। जे कब जब बच्चे या सून बच्चे देने की कंगार पे आती है तो उनको अक्सर गुस्से में हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आप छोटे बच्चे देख रहे हैं, आप इनको 30 की संख्या में अभी अलग अलग बाड़े में रख सकते हो, मगर जो फीमेल होती है उस पे जब बच्चे देने वाली वाली फीमेल होती हैं, आप 10 से ज़्यादा उनको इकट्ठा नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो मेल होता है, कोशिश किया करो वो बाकी जानवरों से अलग रख दिया करो। जो फीमेल हमारे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनका फॉर्म में रख सकते हैं, बाकी को आप बेच सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा मेल होता है, 20 फीमेल के पीछे हमें एक मेल चाहिए होता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप अपने फॉर्म में अपने जानवरों का बढ़िया सा पालन पोषण करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अच्छे मेल को चुनाव करके बाकी का कास्टेशन कर दिया करो। क्योंकि क्या होता है कि जो बाकी मेल होंगे वो फिरोशिस हो जाएंगे, बाकी फीमेल्स को फीड नहीं खाने देंगे, जिसमें क्या होगा कि आपके फॉर्म की अर्थव्यवस्था नुकसान की तरफ जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे वही ने बनाए हुए पॉन्ड देखा आपने, अभी ये गर्मी में पानी भर दिया करो इसमें, इस तरह के पॉन्ड बना के, तो ये अपना शरीर का जो तापमान गर्मी से बढ़ जाता है, जब ज़्यादा गर्मी के समय अपने आप को ठंड या महसूस या अपनी गर्मी को यहाँ पे इसका मैनेज कर सकता है। दूसरा क्या है कि जो पानी के लिए, जैसे किसान भाई ने इसने हमारे यहाँ पे पानी के टैप वाटर नहीं लगाए हुए हैं, इसमें ऑटोमेटिक ड्रिंकर आएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, आप वो लगा दिया करो, तो पानी खुद ब खुद जो जानवर पी के वो कर देते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें एक और कमी आई है यहाँ पे कि जैसे इसने पेशाब के लिए, बाथरूम के लिए अलग जगह नहीं बनाई हुई है। तो पिग फॉर्म बनाते समय ध्यान रखें कि आप 1.5 से 3 फुट की अलग जगह में 1-1 ईंट लगा के वो उस जगह को एक ड्रेन से कनेक्ट करके आप इसका शेड बनवा लिया करो। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।